Hello students and welcome back to Bankexamstudio.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to do an important topic that is Surfici Act. So we are going to discuss the Surfici Act in MCQ format. MCQs hi karenge iske. So in the previous years, सबसे important question what is the full form of Surfici? It stands for Securitization and Reconstruction of Financial Assets Enforcement of Security Interest Act. So पसी कोड का इन बैंक करप्सी कोड का प्लीज गो थ्रू दैट दैट रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट इज अ कोड नॉट एन एक्ट तो जरूर आप करिए कल मैंने अच्छे से करवाया है वो सो टूडेट इन द एमसी क्यू फॉर्म एक्ट विद इन हाउ मेनी डेजोराइज अंडर द एक्ट टू इशू अस टू डिफॉल्टिंग बोरोवर्स एंड हिस्स ग अगर कोई बॉरवर या गारंटर डिफॉल्ट करता है बॉरबर ओके सो कितने दिन का नोटिस जो बैंक है वो देता है उसको बॉरवर को मतलब किसी की सरफाइसी एक्ट के अंडर अपना एक्शन लेने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाता है सिक्सटी डेज का जो है नोटिस दिया जाता है सिक्सटी डेज का नोटिस दिया जाता है ओके एक्ट इस्टाब्लिश विच एंटिटी टू एक्वायर एसेट्स फ्राम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कैन सेल फाइनेंशियल टू रिकवर एन पी ए जो बैंक है वो खुद मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉपर्टीज को नहीं बेच सकता राइट जो uh, फैक्ट्रीज है दे, you know, दे गे 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 जो सामान है देट इन टू कॉन्टैक्ट विद द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन ए आर सी जो हैं उन्हें बेच दिया जाता है एसेट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है सो ए इज द करेक्ट आंसर एसेट रिकंस्ट्रक्शन को बैंक जो है एसेट्स को बेच देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू अप्लाई सरफाइसी एक्ट द बोर्वर अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड एज एन पी ए की अकाउंट एनपीए है एंड इट मस्ट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एट लीस्ट वन लाख एक लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होना चाहिए एंड इफ द हैज ऑलरेडी पेड 80 परसेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट ड्यू लिख लीजिए ऑफ अमाउंट ड्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगर 80 परसेंट पे हो सक हो चुका है 80 परसेंट या उससे ज्यादा देन सरफ आईसी एक्ट कैनॉट बी एप्लीकेबल ओके सरफाइसी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू पास आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिमहन कमेटी नरसिमहन कमेटी ने रिकमेंड किया बैंकिंग रिफॉर्म में इम्प्लीमेंटेड दूरिस द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज ट्वेंटी लैक्स एंड अब पहले दस लाख ,00 होता था बट नाउ इट इज ट्वेंटी लैक्स एंड अबव ठीक है बीस लाख ,00 के ऊपर की अगर डिस्प्यूट है तो वो डी आर टी में जाएगा द बैंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बैंक हैज़ टू इशू डिमांड नोटिस ऑफ सिक्सटी डेज टू द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड द बॉरवर रिकॉलिंग फुल डेट्स एज ऑन द डेट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन थर्टीन सेक्शन टू 60 डेज का नोटिस जो है बैंक देगा बॉर्वर को कि आपने जो है लोन का ईएमआई नहीं दिया है हम आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे आप प्लीज़ ड्यूज uh, को पे कर दीजिए वाइल इशूंग डिमांड नोटिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंश्योर द अकाउंट हैज जो सरफाइसी एक्ट के अंडर नोटिस इशू करने से पहले अकाउंट इज एन एन पी एटी परसेंट अगर पे हो गया तो नहीं एट लीस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आउट स्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज ओवर ड्यू द बैंक शुड इंश्योर दैट इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी

Uh, एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सी कहते हैं जिसे इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट एक क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनती है जिसमें अगर टू थर्ड ऑफ क्रेडिटर्स टू थर्ड और सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट अगर इतने यू नो लेंडर्स बोल दे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर टू थर्ड uh, जो लेंडर्स हैं क्रेडिटर्स हैं वो भूल दें दैट uh, वो डिसीजन लेते हैं बेसिकली दे टेक द डिसीजन कि क्या सारे एसेट्स को लिक्विडेट करना है या Uh, थोड़ा टाइम और देना है या थोड़े और पैसे देने हैं दे आर गोइंग टू टेक द डिसजन्स लेकिन टू थर्ड ऑफ द क्रेडिटर्स इन द क्रेडिट कमेटी दे देन इफ दे अग्री देन द एक्शन इज टेकन सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर टू थर्ड पहले ये आई गेस सेवनटी फाइव परसेंट होता था बट नाउ इट इज टू थर्ड एज पर आई बी सी तो यहाँ पे सेवेंटी फाइव लिखा है बट इट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इट इज़ अपडेटेड नाउ सर फाई सी इज़ एप्लीकेबल इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लैंड बट इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लैंड विच हैज़ बिन यूज इन अ कमर्शियल फॉर अ कमर्शियल पर्पस फॉर एग्जाम्पल टी बोर्ड वगैरह के लिए यूज होता है तो ये एप्लीकेबल है बी में ये एप्लीकेबल है ठीक है So it is not applicable where dues are below 1 lakh rupees. It's important. It is an agriculture land and the land is used for agricultural purposes. Amount due is less than 20% of uh, principal and interest. Uh, bank shall not be able to invoke provision of Surfaicy Act uh, unless the charge, uh, unless the property is uh, charge is registered uh, with the time frame with the the uh, property hai. उस उसके चार्ज को रजिस्टर किया गया है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इस चार्ज को रजिस्टर किया गया है सरसाई के पास लोन सिक्योर्ड बाय प्लेज लीन बाय सिक्योरिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट इन दीज केसेस इट्स नॉट एप्लीकेबल लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड एज पर लिमिटेशन एक्ट वेयर सिक्योरिटी इज नॉट चार्ज बाय बैंक सिक्योरिटी हैज टू बी चार्ज एंड हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद सरसाई ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन द अग्रीव्ड पार्टी अंडर सरफाइसी एक्ट कैन मेक अपील टू डी आर टी डी आर ए टी के पास जा सकते हैं ओके नॉट टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डी आर टी डी आर ए टी के पास जा सकते हैं

so that was all students bank of maharashtra journalist officer course 2022 2023 it's available on bankexamstudy.com we are providing complete video classes notes test series quizzes complete interview preparation complete coverage of the syllabus this is my personal whatsapp number in case there is any doubt please ask your doubts link to join the course is available in the description we are available Twenty four seven. You can drop your message. We are going to reply you. In case you want to call us, tomorrow is Sunday. You can call us. List of our successful students in the previous year in twenty twenty two. All these students that took the course and they cracked the exam. I'm really really happy for them. Uh, for our Bank of Maharashtra Journalist Officer course twenty twenty two. All these students that took our courses in the uh, they took our courses in the previous years and they cracked their respective exams. I'm really really happy for them. If there is any doubt in your mind, ask your questions. Link is available in the description. Join the course. Ask your questions. Subscribe the channel. Anything in your mind, my WhatsApp number is there 9067201000. Let me write my number here again. This number is available on WhatsApp. Ask your doubts and I'm going to answer your doubts. That's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.